नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है उसमें हम सिमिलर और कंट्रेरी मोशन के बारे में जाने, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिमिलर और कंट्रेरी मोशन होता है, सिमिलर का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जब हम नोट्स बजाते, जैसे मान लो अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट साइड में जा रहा हूं तो राइट साइड में ही नोट्स बजा रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट साइड में बजा रहा हूं तो लेफ्ट साइड में ही जा रहा हूं। देखो सी डी ई एफ जी एफ ई डी सी डी ई एफ जी एफ ई डी सी, गॉट इट। ये क्या है, सिमिलर मोशन। और कंट्रेरी मोशन का मतलब है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में नोट्स बजाते हैं, जैसे राइट हैंड से मैं सी टू जी चलूंगा और लेफ्ट हैंड से मैं जी टू सी, जैसे फिर वापस लेट्स प्ले इट, ठीक है। तो ये है सिमिलर और कंट्रेरी मोशन। अब एक एक्सरसाइज है आपकी, जो ये वाली दो फिंगर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ के लिए। हमारे हाथों में ये जो तीन फिंगर्स हैं मैक्सिमम हम काम इनसे करते हैं, और स्पेशली म्यूजिक में, ठीक है। लेकिन जब हम पियानो की बात करते हैं तो पियानो में इन दोनों फिंगर का और इन दोनों फिंगर का राइट और लेफ्ट हैंड में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब क्यों बहुत बड़ा रोल है, आइए देखते हैं। अगर मान लो कि मुझे ये वाला कोड बजाना है इस तरीके से, इस टाइप का मैंने मुझे कोई पीस बजाना है, तो अभी क्या था, मैंने अपनी सारी की सारी फिंगर्स का यूज किया है। और ये किस तरीके से हुआ है कि मैंने जब पहले सारी के सारी फिंगर से प्रैक्टिस की है। तो इसके लिए क्या करना है, इन दो फिंगर को हमें अब स्ट्रेंथ देनी है, इनको यूज में लेके आना है। तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि इनका हम यूज कम करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आपको 5 फिंगर्स की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। तो उसके लिए जो मैंने सिमिलर और कंट्रेरी मोशन बताया है उसका आज बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसमें हम एक एक्सरसाइज के जरिए इन फिंगर्स को हम स्ट्रेंथ करेंगे, इन फिंगर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वह ये है, आइए। सी डी ई एफ जी एफ ई एफ जी एफ ई एफ जी एफ ई डी, यानी कि आपको क्या करना है, 3 टाइम यहां पे इस पैटर्न को रिपीट करना है, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड से क्या करना है, जी एफ ई डी सी डी ई डी सी डी ई डी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब दोनों हाथों से हम अलग अलग करेंगे, जैसे ठीक है, और इसको रिपीट करते जाना है। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड से, फिर दोनों हाथों से, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली यू हैव टू इंक्रीज द टेम्पो, ठीक है। दोनों हाथों से ये वाली जब एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप आपकी जो ये दो फिंगर है अपने आप यूज में आ जाएंगी, इनकी प्रैक्टिस होने लगेगी और आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।